Before हम product research पे जाएं, let's have a look on the general rules of a good product. Product की price आपकी range 10 से 50 तक होनी चाहिए. इसका reason ये है कि अगर आपकी price 10 से ज़्यादा नीचे होगी, तो उसकी quantity बहुत ज़्यादा sale करनी पड़ेगी profit बनाने के लिए. For example, अगर 10 dollar की कोई product है, उसमें से आप 20% earn कर रहे हैं, इसका मतलब आप $2 एक सेल से अर्न करते हैं. लेकिन अगर यही प्रोडक्ट $2 या $3 की है और उसमें से 20% अर्न कर रहे हैं, तो आप बेयरली 40 या 60 सेंट अर्न करेंगे. तो इसलिए उसमें से प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी सेल चाहिए. 50 इसलिए मैक्सिमम रेंज. इससे ऊपर की अगर आइटम होगी, उसकी प्राइस रेंज इससे ज़्यादा होगी, तो उसको सोर्स करना भी उतना महंगा होगा और लॉन्च करना भी वो उतना ही उस पर बजट लगेगा लॉन्च करने के लिए. नो ब्रांड नेम्स और ट्रेडमार्क्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट. ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जिसमें लोग जिसके साथ कोई ब्रांड नेम एसोसिएट हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स के अंदर कोई चीज़ लॉन्च करें जिसमें ऑलरेडी बिग ब्रांड्स ऑलरेडी वहाँ पर होते हैं और जिसमें एसोसिएशन होती है ब्रांड्स के साथ लोगों की. फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स में लोग नाइकी की चीज़ें बाय करना चाहते हैं. और अगर आप वाइप्स की बात करें तो बिग ब्रांड. अगर आप पैम्पर्स नैपकिन्स की बात करें तो उसमें पैम्पर्स और इस तरह के बिग ब्रांड्स. सो एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क के साथ किसी भी प्रोडक्ट की. अदरवाइज आप कभी भी अपनी पोजिशन नहीं बना सकेंगे और बिग ब्रांड्स के साथ आप कम्पीट करेंगे. शुडंट बी ब्रांड डोमिनेंट कैटेगरी. कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए जिसके जिसमें एक ही कैटेगरी को एक ब्रांड डोमिनेट कर रहा हो. मतलब फॉर एग्जांपल, आप पेंसिल होल्डर बेचना चाहते हैं और आप देखते हैं कि पेंसिल होल्डर के अंदर एक ही कंपनी जो कि तकरीबन फ्यू स्पोर्ट्स के ऊपर है. मे बी वो पहले दो स्पोर्ट के ऊपर भी हो, उसके बाद पांचवें छठे नंबर पे भी हो, इसी तरह दसवें नंबर पे भी हो. सो इसका मतलब उस कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट एक ही ब्रांड बेच रहा है. सो ब्रांड डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए. प्रॉपर रूम फॉर प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट फॉर ऑफ प्रेजेंट लिस्टिंग. प्रोडक्ट जो आप सर्च कर रहे हैं उसमें ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो उसमें ऑप्टिमाइजेशन और इम्प्रूवमेंट का रूम होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि फ़र्ज करें आप पेन होल्डर बेचना चाहते हैं और आप देखते हैं कि लोग जो पेन होल्डर बेच रहे हैं उसमें उनकी लिस्टिंग्स इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, या फिर उनकी लिस्टिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, प्रोडक्ट में कुछ कोई माइनर चेंजेस हो के उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है. अगर ये चीज़ लिस्टिंग के अंदर होगी तो एक प्रोडक्ट के अंदर होगी तो वो एक बड़ी गुड प्रोडक्ट बन सकती है. उसका रीज़न है कि अगर लिस्टिंग में आप इम्प्रूवमेंट करके, प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करके, ऑप्टिमाइज करके अगर मार्केट में जाएंगे तो आपका बजट बहुत कम लगेगा. मल्टीपल प्रोडक्ट रिलेटेड कीवर्ड अपॉर्चुनिटीज मीन कि आप किसी एक ही कीवर्ड के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे हो बल्कि उसमें मल्टीपल कीवर्ड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेन होल्डर की मैंने बात की, तो पेन होल्डर में आप इसको पेंसिल होल्डर भी बोल सकते हैं, आप इसको ब्रश होल्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका पेन होल्डर से फॉर एग्जांपल एक पेन होल्डर एक मैश पेन होल्डर है और उसमें लोग पेन की जगह ब्रशेस रख सकते हैं. सो इसका मतलब ब्रशेस होल्डर भी आपका कीवर्ड एक बन सकता है. प्रोडक्ट एनकरेजेस रिकरिंग परचेजेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें लोग बार बार बाय करें, जैसा कि कैंडल एक बार इस्तेमाल की, उसके बाद एक बार इस्तेमाल करने के बाद आपको दोबारा ज़रूरत पड़ती है उसको इस्तेमाल करने की, तो आपको नई बाय करनी पड़ती है. तो कैंडल में वैक्स होती है और वो ख़त्म हो जाती है. सो आपका बायर एक बार आपसे बाय करेगा, उसको पसंद आएगी तो वो बार बार आपसे आके बाय करेगा. ये आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. आप जैसा कि पेंसिल होल्डर में की एग्ज़ाम्पल लगा लें, उसमें ज़रूरी नहीं है कि बायर बार बार आकर आपसे बाय करे. सो आइडियल सिचुएशन में ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए लेकिन ज़रूरी नहीं.
shouldn't be seasonal. So agar seasonal product hogi usme koi issue nahi apart from controlling the stock. सबसे बड़ा इशू उसके अंदर स्टॉक कंट्रोल करने का होता है अगर सीजनल प्रोडक्ट होती है. और उसके लिए दूसरा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं लेकिन दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपको प्रोडक्ट की सेल के लिए सीजन का वेट करना पड़ेगा और जब सीजन ऑफ होगा तो आपकी सेल नहीं बन रही होगी. लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा स्टॉक कंट्रोलिंग का इशू है, इसलिए सीजनल प्रोडक्ट को भी थोड़ा अवॉइड किया जाता है. शुडंट बी ब्रेकेबल आइटम, आइटम आपकी ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए, ग्लास की बनी हुई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज टू मेनी कंप्लेंट्स आएंगी. इम्पल्स बायर स्वीट स्पॉट, सो इम्पल्स बायर का आइडिया जो है वो ये है कि बायर इस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसका बायर इम्पल्स बायर हो. मतलब इसका ये है कि आप पेन होल्डर बेचते हैं, अगर कोई मैश का पेन होल्डर एक अच्छा बना, अच्छी क्वालिटी का बना कोई देख रहा है तो वो बायर बहुत ज्यादा रिव्यूज के अंदर जाके नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट आपकी पिक्चर देखकर सेटिस्फाई होगा कि आपका स्लाइटली टाइटल देखेगा कि ये मटेरियल कौन सा है और स्लाइटली मे बी साइजेस वगैरह देखेगा और कलर देखेगा और उसको बाय कर लेगा, बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी में नहीं जाएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जो हेल्थ केयर रिलेटेड है तो वो बायर बहुत ज्यादा उसके रिव्यूज को जाके पढ़ेगा और उसके इंटेंसिव रिसर्च करेगा और फिर जाके उस प्रोडक्ट को बाय करेगा. ऑल्दो अगेन ये भी आइडियल सिचुएशन में है कि इम्पल्स बायर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसका बायर इम्पल्स हो ताकि हमें आसानी से स्वीट स्पॉट मिल सके. सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, स्वीट स्पॉट, इट शुड बी स्वीट स्पॉट. तो ऐसा बायर होना चाहिए. Avoid items that requires a certification unless you are confident in getting one. Example, supplements. अगर आप supplements के certification वगैरह ले सकते हैं, आपको confidence है कि आपके लिए मुश्किल नहीं है तो ठीक है, फिर आप जा सकते हैं. लेकिन ideally, I don't know any Pakistani जो कि अभी supplement के business में हो, इसलिए ये एक इंतहाई मुश्किल काम है. अगर आप supplement में जाना चाहते हैं उसके लिए lots of सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है. इसके अलावा कोई भी आइटम जिसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत हो, मेडिसिन में तो बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, उससे कुछ आइटम्स होती हैं जिनका कॉन्टैक्ट फूड के साथ होता है जिसमें FDA वगैरह की सर्टिफिकेशन थोड़ी आसान सर्टिफिकेशन है. स्टिल कोई भी प्रोडक्ट जिसमें सर्टिफिकेशन आ जाए उसको अवॉइड करना चाहिए. डायमेंशन शुड बी स्टैंडर्ड स्मॉल, आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन आइडियली स्मॉल होनी चाहिए और अमेज़न के स्टैंडर्ड होनी चाहिए. अमेज़न की लार्ज कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कैटेगरी में होनी चाहिए. लार्ज कैटेगरी में अमेज़न चार्ज आपसे FBA फीस ज़रा ज़्यादा करता है जबकि स्टैंडर्ड में इतनी ज़्यादा नहीं करता है, मुनासिब सी फीस करता है. दूसरा, स्मॉल होनी चाहिए आइटम. स्मॉल होगी आइटम तो आपकी शिपिंग कॉस्ट कम होगी, स्मॉल होगी तो उसको आप बाय एयर भी पहुँचा सकते हैं. ऑल्दो मैं किसी भी तरह डिस्करेज नहीं करता शिपमेंट को बाय सी, अगर कोई प्रोडक्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप बाय सी कर सकते हैं देन यू शुड गो फॉर इट.